बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 401 की क्विज नंबर 3 का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये क्विज नंबर 3 का दूसरा सेट है। इससे पहले भी हम एक सेट का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। क्विज नंबर 3 के टोटल 11 सेट्स का वेरीफाइड सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। और ये जो 11 सेट्स हैं, ये क्विज नंबर 3 के रिमेनिंग सेट्स को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। और साथ साथ MTH 401 का जो फाइनल टर्म का पेपर होगा, उसमें भी ये 11 सेट्स आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें ताकि आपके नंबर डिडक्ट ना हो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, यहाँ पर डेट भी मैंशनड है और टाइम भी मैंशनड है, आप देख सकते हैं। इफ़ ए इज़ अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। हमारे पास दो ऑप्शन है और इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। वो कह रहा है कि ए, अगर आपके पास कोई एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और ए जो है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो, ए अपने ट्रांसपोज के उसी वक्त बराबर होगा अगर ए आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर होंगी तभी वो स्केयर मैट्रिक्स होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास एम जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं और एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम है फॉर द मैट्रिक्स ए। अगर एम और एन दोनों बराबर होंगे तो उसी केस में आपके पास मैट्रिक्स ए स्केयर मैट्रिक्स होगा, और जब आपके पास मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होगा तो किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का जो अपने ट्रांसपोज के साथ जो रिलेशन होता है वो इक्वल का रिलेशन होता है। मतलब कोई भी जो स्केयर मैट्रिक्स होता है वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने रोज और कॉलम को इक्वल करना है ना, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, ए और ए ट्रांसपोज, तभी हमने ऑप्शन बी को करेक्ट ऑप्शन माना है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट स्टूडेंट थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन आपने इसको गौर से अंडरस्टैंड करना है। ओके, मैं इसको रीड करता हूँ। ऑपरेटर मेथड आर सिस्टमेटिक एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस आर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रोवाइड्स अस डैश डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड। इसमें जो ऑप्शन बी है सिंगल, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैं दोबारा से इसको रीड करता हूँ। ऑपरेटर मैथड आर सिस्टमेटिक एलिमिनेशन मैथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस आर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड्स अस सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन इन वन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट हैज नॉट बीन एलिमिनेटेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रिकरेंस रिलेशन फॉर पॉलीनोमियल्स रिलेट्स पॉलीनोमियल्स ऑफ डिफरेंट डिग्रीज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द साइमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्व टू आर मोर इक्वेशंस दैट कंटेन डेरिवेटिव्स ऑफ टू आर मोर अननोन फंक्शंस ऑफ डैश इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट ए इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए विद अ पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस स्टेटमेंट से दो और MCQs बन सकते हैं। एक अगर यहाँ पर पॉजिटिव का वर्ड मिसिंग हो और दूसरा यहाँ पर एनालिटिक का वर्ड मिसिंग हो। हमने लास्ट सेमेस्टर में इस तरह MTH 401 के क्विजेज को वेरीफाई करने के बाद अपने चैनल पर उनका सॉल्यूशन शेयर किया था, और वहाँ पर यह क्वेश्चन 3 तरह से आया हुआ था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है जो कि एक सिस्टम बनाती हैं। इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो हमसे पूछी गई है। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्स प्राइम इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y माइनस 9z, एक्स प्राइम इज इक्वल टू 6x माइनस y प्लस 0z एंड एक्स प्राइम इज इक्वल टू 10x माइनस 4y प्लस 3z। इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख लें, राइट हैंड साइड पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है स्टूडेंट, वो यहीं पर बनता है जो ऑप्शन सी में गिवन है। तो इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बेसल फंक्शंस ऑफ इंडेक्स हाफ एंड डैश इंटीजर आर कॉल्ड स्फेरिकल बेसल फंक्शन। ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 में भी आया हुआ था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन भी पहले सेट में आया हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फॉर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वी नीड टू फाइंड द बोथ कंप्लीमेंट्री एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। किसी भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी चाहिए होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी चाहिए होता है। तो उस वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। MTH 401 के क्वेश्चन नंबर 3 का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और ये हमारा दूसरा सेट है। और इसके बाद मजीद हमने 9 सेट्स का वेरीफाइड सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करना है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स गिवन है और हमसे पूछा गया है कि आया ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल हैं, मतलब अगर पहले वेक्टर को मैं 33 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो दूसरा वेक्टर बन जाता है। तो इस वजह से जो दूसरा वेक्टर है वो पहले वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका मतलब है दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।